जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस फ्रेश वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स कार्ड के विषय में, जहां पर हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये फॉरेक्स कार्ड क्या होता है, फॉरेक्स कार्ड का यूज आज के समय में कहां पर और क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों फॉरेक्स कार्ड बेसिकली एक नॉर्मल प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें एक चिप लगी होती है। दोस्तों ये जो कार्ड होता है ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे आपके नॉर्मल एटीएम कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं। बात करें इसके यूज की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फॉरेक्स कार्ड होता है इसका यूज आप उन सभी कामों के लिए कर सकते हैं जिनसे जो आप एक नॉर्मल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जैसे आपको कैश विड्रॉल करना है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पेमेंट करना है, आपको POS मशीन पर कोई पेमेंट करना है, आपको मनी ट्रांसफर करना है, इन सभी कामों को तो आप इस फॉरेक्स कार्ड से कर ही सकते हैं। इसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो है कि आप इससे फॉरेन करेंसी के अंदर भी पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो विदेश जाते हैं या विदेश में घूमने जाते हैं या विदेश में काम करते हैं। अगर वो इंडियन है या किसी और देश के हैं, वो किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर रहते हैं या फिर वहां पर काम करते हैं या घूमने जाते हैं, तो वहां पर उनको कुछ भी जो खर्चा वो करेंगे, कुछ भी वो खरीदी करेंगे, तो उस खरीदी के दौरान जो पेमेंट उनको करनी होती है वो फॉरेन करेंसी में यानी कि विदेशी मुद्रा में करनी होती है, जिसके लिए उस पैसे को एक्सचेंज कराना होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर उस व्यक्ति के पास या फिर आप अगर जाते हैं तो आपके पास अगर ये फॉरेक्स कार्ड है तो यहां पर फिर आपको किसी भी तरह के फॉरेन एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फॉरेक्स कार्ड के जरिए ही आसानी से वहां पर उन सभी पेमेंट को विदेशी मुद्रा में कर पाएंगे। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर ये जो फॉरेक्स कार्ड होता है ये आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा और कितना टाइम इसमें लग जाता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फॉरेक्स कार्ड है इसको आप किसी प्राइवेट कंपनी से भी ले सकते हैं या फिर किसी बैंक से भी ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आप ऑनलाइन यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो कि फॉरेक्स कार्ड का फॉर्म होगा। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहां पर दिखाने होते हैं, जैसे आपका सबसे पहले पैन कार्ड होता है, दूसरा आपका पासपोर्ट होता है, इसके बाद आपका वीजा होता है और आपकी जो एयर टिकट होती है यानी कि जिस देश में आप जाते हैं उसकी जो टिकट होती है वो आपको यहां पर दिखानी होती है। और ये अप्लाई आपको तब करना होता है जब आप विदेश जाना चाहते हैं, उससे 4-5 दिन या 10 दिन के अंदर आपको ये अप्लाई करना होता है। दोस्तों इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप इस ऑनलाइन फॉर्म को फॉरेक्स कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव किया जाता है उसके 5 दिन के अंदर, 3 से 5 दिन के अंदर ये जो फॉरेक्स कार्ड है ये आपके घर पर यहां पर पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों बात आती है कि इसमें जो पैसा आप खर्च करते हैं वो कहां से आता है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेक्स कार्ड के अंदर जो भी पेमेंट आप करते हैं, जो भी खर्चा आप करते हैं, वो बेसिकली आपको ऐड करना होता है इस कार्ड के अंदर। जी हां दोस्तों, इस कार्ड के अंदर पहले आपको पैसा ऐड करना होता है अपने किसी भी बैंक अकाउंट से और फिर उस पैसे को वहां पर आप खर्च कर पाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये फॉरेक्स कार्ड क्या होता है, इसका यूज क्या है और कहां पर इसको यूज किया जाता है। दोस्तों और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।